चल डाल डाल चल ओ आराम से आराम से ओ आराम से यार पीछे से पकड़ना चल 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 लीला ये क्या हुआ है चल 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 कुत्ता भी इधर आ रहा है अभी बाहर आ गई हो तो ड्रेसिंग का ही बता यार कौन पहले मुझे ये बता मेहंदी किस दिन है अपने मैरिज हॉल है अगर कहते तो उसके अंदर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो कैसे हैं आप सब ठीक होंगे दोस्तों यार कल की वीडियो मैंने आपको हैवी बुलेडॉग दिखाए थे उसमें से हमें एक पसंद आ गया जो हमारे जैक की तरह था ना बुलेडॉग दूसरे नंबर वाला उसको हमने पसंद किया और उसकी डील चल रही है बातचीत चल रही है कल ही हमने अपने पेट हाउस में ले आना था लेकिन यार जो हम डील कर रहे हैं ना वो ऐसा ऐसा बिगड़ती जा रही है। अक्सर मैंने नोट किया है कोई भी चीज मैंने अगर लेनी होती ना उसकी एक दिन पहले मैं अगर वीडियो बना दूं तो उसकी ऑटोमेटिक ना प्राइस में इजाफा हो जाता है मतलब कोई 100 रुपए वाली चीज होती है ना 150 की हो जाती है तो इंशाल्लाह बस एक दो दिन में ना बुलेडॉग आ जाएगा। इतनी बड़ी चीज ले रहे हैं थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार तसल्ली के साथ लेनी है परमानेंट अपने पेट हाउस के लिए लेना बुलेडॉग और बुलेडॉग की शादी करने के लिए हमें फीमेल बुलेडॉग भी तो चाहिए। हमने फीमेल बुलेडॉग का अरेंज कर लिया उसको पसंद कर लिया और हमें से बहुत सारे दोस्तों ने ना उस फीमेल बुलेडॉग को देखा हुआ है। आपको याद होगा काफी दिन पहले ना हम अपने पेट हाउस में एक फीमेल बुलेडॉग लेके आए थे टाइगर की तरह की वो एक दिन सिर्फ हमारे पेट हाउस में रही और दूसरे दिन वो चोरी हो गई थी और जहाँ से हम वो वाली फीमेल बुलेडॉग लेके आए थे ना वहाँ पे दो दो थी एक तो हम ले आए थे अब दूसरी को लेने के लिए जा रहे हैं लेने के लिए नहीं जा रहे बल्कि यार उसको चोरी करने के लिए जा रहे हैं यार जिसकी वो फीमेल बुलेडॉग है ना वो मेरा जो दोस्त अक्सर वीडियो में आता है वसीम उसके चाचू की है तो अब हमने उसको भेजा हुआ है वो अपने चाचू की रैकी कर रहा है और उस फीमेल बुलेडॉग की रैकी कर रहा है जिसको हमने चोरी करना है। अभी हमें वो कॉल करेगा जैसे ही वो सारा मामला वहाँ पे क्लियर होता है तो हम फौरन से जाएंगे और उसको उठा के ले आएंगे। अरे कॉल किया क्या कहता है वो यार किया उसे कॉल वो उठा ही नहीं रहा है यार मेरी बात सुन हम लोग ना पूछ के ले आते हैं जो पता हमारी चोरी तो कामयाब होती नहीं है। नहीं अब चोरी कामयाब होगी क्योंकि चोरी करने के लिए ना हमने काफी बड़ी प्लानिंग की है और उसी ने प्लानिंग की है जो रैकी करने के लिए गया हुआ है। चलो फिर चलते हैं यार चले फिर एक बात सुन यार मुझे डायनासोर की राइड कर लेने थे यार इसकी राइड करनी हो इधर वो इधर टूट जाएगा वो गार्ड बोलेगा वो तेरी और टूट जाना अब प्लास्टिक है यार इसकी काम चेक कर लो यार किस तरह की हरकतें करता है इधर आ जा यार ये प्लास्टिक है ये टूट जाएगा दूसरी यार ये डायनासोर ना प्लास्टिक है वो इधर नीचे यार देर हो रही है यार देर हो रही है बड़ा नाटकबाज है यार बड़े ड्रामे करता है हम चलते हैं और ये यहाँ पे ना ड्रामे करता रहे चल यार आप तो चले ये वसीम हमारा वेट कर रहा था चला चला जल्दी आ सारा कुछ मैंने हैंडल कर लिया चाचा तो अंदर है चाचा घर है चाचा घर है अंदर तूने तो कहा था काम पे जाना उसने यार मुझे नहीं पता था वो अंदर ही सोया पड़ा धूप पे बाहर लेटा हुआ है अंदर ही मैं अभी बैठा रहा हूँ अंदर भी तो प्लानिंग किया है मतलब चोरी हो जाएगी प्लानिंग ये है उसका बेटा जो है ना वो गली में ही खड़ा है कब से तो मैंने उसे कहा यार हमें कुत्ती दे दो ये वो है मैंने उसे कहा तुझे 1000 रुपए दूंगा तो हमारे साथ मिल जा मान ही है वो हाँ कहता मेरे अब्बू को ना पता चले कि मैंने तुम्हें छुड़वाई है कुत्ता उठाने दे रहे हाँ मैंने कहा किसी की तरफ कोई बात नहीं जाती हम तो चले जाएंगे लेके दूर किसने देखनी है कहता यार नहीं यार मैंने कहा कोई मामला नहीं है बहुत मुश्किल से नहीं मतलब हो गया ना चाचा को तो नहीं पता चलेगा चाचा को नहीं कहता मैं देखता रहूंगा छोड़ना तुमने खुद ही गाड़ी के अंदर डालना अपनी बाइक साइड पे कर बाइक वहीं ले आता हूं नहीं नहीं बाइक ना लेके जा यार फिर बाइक का शोर बड़ा होता है हां बाइक का शोर होता है यार तेरी करके जाते हैं अपनी गाड़ी भी इधर खड़ी करें अगर गली से लेके आएंगे पता चलेगा गाड़ी में बिठा लेंगे हां डिग्गी में बिठा देंगे शीशे है किसी को पता भी बस ठीक हो गया ये चलो यार दोस्तों यार हमारी प्लानिंग के मुताबिक तो अभी तक काम सही चल रहा है फिट है और बाइक लगा दे साइड पे हाँ वहाँ पे लगा दे जल्दी गाड़ी को ना हम अंदर की तरफ लेके चलते हैं इस गली में हमने जाना है बैठ बैठ जल्दी बैठ उसी का बेटा तो बेफिक्र हो जा मेरा काम है नहीं जानता तो मुझे भी है ये वो वाला डॉग है ना वो सामने खड़ा हुआ यार काश इसके बेटे को भी पता ना चलता ना और ज्यादा मजा आना था यार इसके बेटे को अगर हम ना बताते ना तो ये बाहर था इनको पता चल जाता अगर ये ना होता तो इसका बाप बाहर होता चलो ठीक है चलो अपने तो डॉग चाहिए ना अपन डॉग उठाते हैं लेके चलते हैं आराम से एक बंदा उतरे ना तू कहाँ उतर रहे कोई चबल मारे ना तेरी वजह से कोई मसला हुआ तेरी खैर नहीं होनी उतरू कि ना उतरू तू रहने देते कौन सा वो चल रोक लेते हैं चल आ जा गाड़ी में ही आ जा फिर कोई मसला तो नहीं उस बंदे का तूने बताया ना चाचे को फिर देख मैं नहीं बताता आपने नहीं बताना मेरा नाम नहीं हम नहीं बताते बस इसको उठाते हैं और लेके चलते हैं वो सामने बैठी हुई है चलाओ यार इसको जल्दी से उठाते हैं चलो यार तुम्हें ना पेट हाउस में लेके चलता हूँ मौत तुम्हारी शादी करें खोल खोल जल्दी खोल ले 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 इसको क्यों पकड़ा रहा है यार चाचा ने देख लिया ना ये तो कहेगा मैं घुमाने जा रहा हूँ हाँ ठीक है चल 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 ले आ जल्दी ले यार मां देख लो फसाना ना यार मुझे नहीं तुझे क्या कहने है असली यार डिग्गी तो खोल देता है जल्दी कर हमाद तेरी ऐसी की तैसी खुल ही जा चल चल डाल डाल चल ओए आराम से ओए आराम से ओ भाई जबरदस्ती ना कर यार पीछे से पकड़ना चल 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 आराम से आराम से ओ यार तू फिर चबलियां मार रहे अंदर चल अंदर चल तू रुक रुक उसका मुंह आ रहा है उसका मुंह आ रहा है टांग अंदर कर चल बस आराम लीला ये क्या हुआ है चल 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 तेरी तू तो कह रहा था मेरा नाम ना ले कंट्रोल करना पहले कुत्ता भी इधर आ रहा है साइड पे कर इसको ओए चाचा जी कुछ नहीं आ भी बाहर आ गई ओए
तेरी है। ओ तू तो कह रहा था चाचा सोया हुआ है। मैं डील करता हूँ यार, सारा प्लान ही हमारा खराब हो गया यार। चाचा जी ना उठ के आ गए। चाचा हमें गुस्से हो रहा है। बैठ तू तो गाड़ी बैठ। क्या होगा अब, क्या होगा? वो डील करने गया है चाचा से, कुत्ता भी चला गया यार उसी जगह पे, वो सामने खड़ा है। और यार तू तो आ जा, इसको तो कंट्रोल करके रखता यार। क्या करता हूँ यार, मारेंगे तो हमें। और नहीं मारते फिर तू चपले मार रहे यार। कुत्ते को तुझे क्या पकड़े रख, वो गाड़ी में से निकल के चला गया। मैंने कहा है कि आप हमें दे दो, वो कह रहा पहले आपने मेरी गुम कर दी यार। पहले कुछ तो चला गया चाचा जी, बड़ा बड़ा मसला बानी है। असि ओंदे पीछे असि इतना जलील होए, इतना तंग होए, मेरे घर परसों तक इतने आ जाए। नहीं नहीं वापिस तो नहीं यार वसीम, पापा किधरे भी नहीं जाती साढ़े को लेके। जब तुम बच्चे लेने आने असि तुम बच्चे दे देंगे। आपने क्रॉस करवाना है, बुली डॉग है हमारे पास, चलो क्रॉस करवाना है। ये गुम नहीं होनी चाहिए भाई। नहीं ये भाई कहता आपके पास ना ऐसी बंदी रहती है, आप कोई काम ही नहीं लेते इसे। काम है इसका बेटा। चलो अब तो देना हमें, क्या कह रहे हैं। इतना दूर आए हैं, चलो ले जाओ, लेकिन गुम रहो। गुड हो गया यार, तू इसलिए कह रहा था यार पहले पूछ ले यार। चल यार पकड़ इसको, इधर आई यार, गाड़ी से निकल के बाहर चली गई है। अंदर चल, मिल गई है। कितनी शरीफ सी है यार, उसी जगह पे आराम से आगे बैठ गई है। मैंने कहा था आपने पूछ के ले लो, आप देख लो, वो मेरी बेइज्जती करेगा यार। वो वसीम कह रहा था बार बार, नहीं कुछ नहीं कहता। ओ यार इसके अब्बू को समझा दे यार, वो समझा दिया, वो कह रहा है मैं कुछ नहीं कहता। ठीक है चाचा जी, ऐसे लेके जा रहे हैं, दुआ करना है, बच्चे बुच्चे दे दे। ठीक है ले जाओ, लेकिन गुम नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं चलो, गुम हो गए, गड्डी की कीमत दी है, गड्डी से रोक लो। नहीं नहीं अल्लाह खैर करे, हुने किधरे नहीं जाएगी, इन्हें असि ब्लू प्रूफ रूम बनावांगे। हुने गुम हुंदी, तुसी असि जड़ा हरकत कीती सानू माफ कर दो, असि शर्मिंदा अपनी असर करते। बा भाई दा प्लान सीगा, भाई दा प्लान सीगा, ठीक है नहीं कुछ होनी चाहिए। तेरा प्लान सी, तूने समझाया नहीं, तो पूछ ले, मैं शुरू कर ला, पूछना चाहे जाए तो ले जाओ। नहीं नहीं असि वीडियो शूट बनाने, थोड़े मजे भी ले रहे सा, पता तो चल जाना सी शाम या कल। चलो यार चले, इसको डिग्गी में डाले। इधर आई यार, तुझे गाड़ी में लेके चलते हैं, तुझे सैर वगैरह कराते हैं, तू आगे से नखरे दिखा रही है हमें। पता नहीं हमारे जैक को कितने नखरे दिखाएगी। ओ तेरी खैर, डिग्गी खोलो यार, डिग्गी खोल। चाबी किधर है? चाबी मेरी जेब में, निकाल जल्दी। एक सेकंड निकाल, तेरी जेब भी बहुत बड़ी है यार, पैसा पूसा डालने के लिए काम आती है यार। जितने भी आपने चोरी किया ना, कोई भी कामयाब नहीं हुई। आप प्रोफेशनल चोर नहीं बन सकते ना, कभी बन ही नहीं सकते। बड़ी ट्राइयां की हैं दोस्तों यार, हमने बड़ी ट्राइयां की हैं चोर बनने की, लेकिन हम तो नहीं बन सकते। इधर आ जा, अब तो बैठ जा यार। चलो उमर इसके साथ बैठ जल्दी आके। मैं नहीं बैठता यार इसके साथ, मुझे डर लगता है इसे। कुछ भी नहीं कहती। नहीं यार मैं आ गया, वो बोनेट पे बैठ के चला जाऊंगा। ओ इधर आ, बोनेट पे बैठ के इधर इधर। चल पीछे बैठ जा, जंजीर पकड़, बाहर निकल जाएगी दोबारा। अंदर बैठ यार जल्दी, देर हो रही है। इसको पकड़ के रखे, छोड़ी ना, ठीक है ना। बड़ा जलील किया यार तूने। फाइनली दोस्तों फीमेल डोकन अपने पेट हाउस में ले आए हैं, उसी जगह पे खड़ी हुई है जहाँ पे हम अपने जैक को बांधा करते थे। इसको बांधते और शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। फीमेल डॉग आ गई है और बुरी डॉग को हम ढूंढ रहे हैं, उसकी डील चल रही है, बस एक दो दिन में वो भी आ जाएगा, फिर इनकी हैवी किस्म की एक शादी करते हैं। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये वाली हमारी फीमेल डॉग फुल ब्लैक कलर में आपको कैसी लगी यार। हमारा मुझे एक बात बता, ड्रेसिंग स्ट्रेसिंग का ही बता यार, कौन सी ड्रेसिंग कर जान दे। पहले हम फीमेल बुरी डॉग लेके आए हैं, जब बुरी डॉग आ जाएंगे ना फिर तो सारी प्लानिंग बताऊंगा। पहले मुझे ये बता मेहंदी किस दिन है। ओ ये भी बता दूंगा, पहले आ तो जाए अभी तो ना। अब अपनी ऑडियंस को कह के यार, वो हम लोगों को सजेस्ट करें हम लोग कौन सी ड्रेसिंग करें मेहंदी। और ड्रेसिंग नहीं, याद करवा दिया। आप मुझे बताएं कि हम मैरिज हॉल में इसकी शादी करें या लोकल कप वगैरह लगा दें। वहाँ पे ना मैरिज हॉल है, अगर कहते तो उसके अंदर कर लेते हैं। नहीं नहीं मैं तुझे बताऊंगा प्लानिंग। दोस्तों यार आपने बताना है हमें मैरिज हॉल में इनकी शादी करनी चाहिए या इधर ही कोई हमारे यहाँ पे प्लॉट काफी ज्यादा ना। मैरिज हॉल पे करनी है भाई, अगर तुमने यहाँ की फिर मैं नहीं आऊंगा। तू ना ही, ओ, नहीं, नहीं नहीं बल्कि तू सुसर है, तू तो जरूर ही आएगा। तेरी बात मानेंगे, तेरी बात मानेंगे। मैं कोई सुसर नहीं हूँ, मेरी बात सुन ले। लास्ट बात एक ड्रेसिंग का पूछ ले अपनी ऑडियंस से, ठीक है। दूसरा मैरिज हॉल का पूछ ले, किस मैरिज हॉल में करनी है। नहीं नहीं किस मैरिज हॉल में, इनको क्या पता है किस मैरिज हॉल में। अब आपने बस यही बताना है कि हमें मैरिज हॉल में करनी चाहिए या यहीं कोई आम जो कोपो वगैरह लगाते हैं वो लगा ले। और आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, मिलते हैं कल चैनल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये वाली हमारी फीमेल डॉग फुल ब्लैक कलर में आपको कैसी लगी है।